देखो ऑर्थोगोनल मैट्रिक, अ स्क्वायर मैट्रिक ए इज कॉल्ड एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक इफ ए इंटू ए ट्रांसपोज इंटू ए करिए तो कहते इक्वल आ जाए आइडेंटिटी की। कोई स्क्वायर मैट्रिक होगा ठीक है ए इंटू ए ट्रांसपोज, यानी कि ए मैट्रिक दे उन्दे ट्रांसपोज ना मल्टीप्लाई कर दिए या ट्रांसपोज दी ए नाल मल्टीप्लाई करिए तो आइडेंटिटी आना चाहिए, दैन उन्होंने की कहेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक। ठीक है हुण देखो प्रोपर्टीज़ है ऑर्थोगोनल मैट्रिक दी, लैट करके चल पो कि ए की ऑर्थोगोनल मैट्रिक है, तो ध्यान रखियो जिहड़ा ऑर्थोगोनल मैट्रिक हुंदा ना इहदा डिटरमिनेंट की हुंदा हमेशा प्लस माइनस वन। ठीक है ए डिटरमिनेंट की आंदा प्लस माइनस वन, इफ ए डिटरमिनेंट वन आ गया तो तुसीं उहनूं कह दोगे प्रोपर ऑर्थोगोनल मैट्रिक। ठीक है जे ए डिटरमिनेंट माइनस वन आ गया तो उहनूं की बोल दोगे इमप्रोपर ऑर्थोगोनल मैट्रिक। देखो ए डिटरमिनेंट ऑर्थोगोनल मैट्रिक का यानी कि डिटरमिनेंट किन इक्वल होंगे प्लस माइनस वन के, जे प्लस वन आ गया तो उन्होंने प्रोपर ऑर्थोगोनल मैट्रिक बोल देंगे, जे माइनस वन आ गया तो उन्होंने इमप्रोपर ऑर्थोगोनल मैट्रिक बोल देंगे। एवरी ऑर्थोगोनल मैट्रिक इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक, जेड़ा ऑर्थोगोनल मैट्रिक होंगे ना वो नॉन सिंगुलर होंगे यानी कि उनका डिटरमिनेंट की होगा नॉन जीरो। देखो जे वो नॉन सिंगुलर है तो वो इनवर्टिबल तो होगा ही होगा ठीक है ना, यानी कि उनका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। ठीक है देखो ए इंटू ए ट्रांसपोज इंटू ए किन इक्वल होंगे आइडेंटिटी दे, देखो अपने ये भी तो पता है ना कि ए इनवर्स इंटू ए किन इक्वल होंगे आइडेंटिटी दे, यानी कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक जेड़ा ए ट्रांसपोज होंगे उ थोड़ा की होंगे ए इनवर्स होंगे, यानी कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक ए इनवर्स की वैल्यू किन इक्वल होंगी है ए ट्रांसपोज से। ठीक है चाहे इन्हें कंपेयर करके देख लो ए इनवर्स किन इक्वल आऊगा ए ट्रांसपोज दे। क्लीयर हूँ देखो ये ध्यान रखियो ए ट्रांसपोज कर दो चाहे माइनस ए देख लो चाहे ए इनवर्स देख लो ए भी की होंगे ऑर्थोगोनल होंगे है। क्लीयर पेयर है ए ते बी जे ऑर्थोगोनल होना तो उन्हों की प्रोडक्ट भी ऑर्थोगोनल होंगी है, ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल मैट्रिक है, दैन ए बी भी ऑर्थोगोनल होगा तो बी ए भी ऑर्थोगोनल होगा। क्लीयर यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल मैट्रिक इज ऑलवेज ऑर्थोगोनल। क्लीयर